हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम्स कैरियर। मैं तौकीर अहमद, फिजिक्स टीचर। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को, लाइट और लाइट का प्रॉपर्टीज को देखे थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में रिफ्लेक्शन अप्लाइड प्रकाश का परावर्तन को देखेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। गौर से पढ़िए प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मीनिंग होता है लौटना। लौटना कहाँ से लौटना? किसी सरफेस से टकराकर, किसी दर्पण से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर जब प्रकाश की किरण लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर हम लोग इसका डेफिनेशन, परिभाषा दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, किसी सरफेस से टकराकर या किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी मीडियम में वापस लौट आती है तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अच्छा, एक और ध्यान रखना है, एक होता है रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। वो अलग टॉपिक है जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है या फिर ये कोई मिरर है। मिरर बोले तो दर्पण, ठीक है। और दर्पण 3 प्रकार का होता है, आप लोग जानते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो फिलहाल मैंने एक फिगर ड्रॉ किया और ये जो है आपका एक प्लेन मिरर है। अगर प्लेन मिरर की हम बात करें तो समतल दर्पण, जिसका सरफेस समतल होता है, उसे प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक लाइट आ रही है, एक रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण आ रही है। तो सरफेस पर आने वाली जो किरण है उसे आपतित किरण कहते हैं। सरफेस पर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। अब ये किरण जैसे ही सरफेस से टकराएगा, जिस बिंदु से टकराएगा, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। याद रखना है, आपतित किरण सरफेस के जिस बिंदु से टकराता है, ठीक है, या जिस बिंदु पर आती है, उस बिंदु को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु कहा जाता है। अब ये जैसे ही टकराएगा पुनः फिर उसी मीडियम में क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। और इस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं इसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बीचों बीच में एक लंब होता है जिसे नॉर्मल अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात तो हम लोग जान गए कि मिरर यानी दर्पण में आने वाली किरण को आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहा जाता है, जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है, और लौटने वाली, दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड, परावर्तित किरण कहते हैं, और उस बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। अब है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आपतन कोण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। याद रखना है, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। यहां पर ध्यान दो कि आपतित किरण और अभिलंब, इंसिडेंट रे एवं नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है, ठीक है। अब है कि ये परावर्तित किरण है जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं और ये नॉर्मल है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को कहते हैं परावर्तन कोण और इसे आर द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हिंदी में बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये नॉर्मल है। आई होप कि ये छोटी छोटी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और इस बिंदु O को कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। सब बेसिक है, डेफिनेशन हो गया। अब है कि इसका नियम है, तो इसका दो गो नियम है, लॉज। पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। ये आई हमेशा आर के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य ये है, मीनिंग ये है कि इसका अगर मान 30 डिग्री होगा, अगर मान लो कि इसका मान 30 डिग्री होगा तो इसका भी मान क्या होगा? 30 डिग्री। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर अगर ना हो तो फिर वो प्रकाश का परावर्तन के नियम और प्रकाश का परावर्तन की घटनाओं को फॉलो नहीं कर रहा है। मान लो कि कहीं सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है, प्रकाश की किरण हो रही है, जा रही है और पुनः उसी मीडियम में फिर आ जाती है, मतलब कि टकरा के उसी डायरेक्शन में आ जाती है। ना तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, ना तो नॉर्मल, कुछ अतः पता नहीं चल रहा है, ठीक है। यानी अनियमित सतह, एक होता है नियमित रेगुलर सरफेस जो बिल्कुल प्लेन होता है, जैसे मिरर हो गया, सरफेस हो गया, जैसे दीवार हो गया, बोर्ड हो गया, तो इसे मिरर हम लोग मतलब प्लेन सरफेस बोलते हैं, ठीक है, समतल सतह कहते हैं। लेकिन बहुत जगह है उबड़ खबड़ होता है, ठीक है, तो वहां पर फिर परावर्तन की घटना नहीं होगा। तो ये सब ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें ही जो है। देखो अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करें
कि फिजिक्स का क्वेश्चन किस टाइप का होता है। बहुत सारे लोग होता है पढ़ के जाते हैं, ठीक है, किताब पढ़ के जाते हैं, कॉपी पढ़ के जाते हैं, नोट पढ़ के जाते हैं, गाइड पढ़ के जाते हैं, गैस पेपर, मॉडल पेपर, और ना जाने क्या क्या पढ़ के जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। बाद में पता चलता है कि वहां तो क्वेश्चन कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन का मतलब है कि आपका उस टॉपिक के प्रति कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए आप क्या हो रहे हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हर टॉपिक को अगर हम लोग कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, छोटी छोटी बात को ध्यान रखेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है, और छोड़ के नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया भी आई पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आप पास तो कर जाओगे, आप क्वेश्चन तो लगभग बना लोगे, लेकिन टॉपर की लिस्ट में कभी ना नहीं जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ध्यान से देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों सरफेस के एक ही बिंदु में होते हैं या समतल के एक ही बिंदु में होते हैं, ठीक है, याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों जो है प्लेन मिरर या सरफेस के, देखो इस सरफेस भी बोल सकते हैं, अगर आप लोगों को यहां प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं लिख देता हूं, उसको सरफेस भी बोल सकते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिसको नॉर्मल बोलते हैं, तीनों सरफेस के एक ही बिंदु में होते हैं, यह दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब है कि यहां से कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग को जानना है कि परावर्तन की घटना के लिए केवल एक मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, यह याद रखना है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर आपतित किरण लंबवत हो, आपतित किरण अगर लंबवत हो, ध्यान दो, अगर किरण मान लो आपतित किरण ऐसा है तो सरफेस से टकराकर पुनः उसी मीडियम में लौट जाएगा। ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा, जीरो डिग्री होगा, याद रखना, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एंगल का मान कितना डिग्री होगा, जीरो डिग्री होगा। कब, जब आपतित किरण क्या हो, लंबवत हो, ठीक है। और कितने मीडियम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है। अब है यही सी में छोटी छोटी बातें हैं, चूंकि हम लोग अभी बेसिक ऑप्टिक्स पर बात कर रहे हैं तो छोटी छोटी बात पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अब है कि एक होता है मिरर फॉर्मूला, आइए देखते हैं मिरर फॉर्मूला, जिसे हिंदी में दर्पण सूत्र कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं मिरर फॉर्मूला। सब कोई हम लोग जानते हैं कि टेंथ में पढ़ा हुआ है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। यानी फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या जिसको r बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका आधा होता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये सब है क्या, v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ध्यान से देखो छोटी छोटी बात को, यही सब इंपॉर्टेंट होता है। प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब को छवि भी कहते हैं, ठीक है। यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी। चलो मैं बोल देता हूं हिंदी, आप लोग समझ जाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, वस्तु दूरी, ठीक है। वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। एक होता है एफ जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं और हिंदी में फोकस दूरी बोलते हैं, फोकल लेंथ और हिंदी में क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और आर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जैसे कोई भी दर्पण होता है ना, दर्पण, ठीक है, तो उसका जो सेंटर होता है वहां से डिस्टेंस, तो फोकल आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और हिंदी में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में कहते हैं इसको वक्रता त्रिज्या, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम, भी का नाम है इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी जहां पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दूरी। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर हम ऑब्जेक्ट रख दिए, अब मोबाइल में क्या हो रहा है, इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। एफ फोकल लेंथ, यानी जो उसका दर्पण का जो फोकस दूरी है वो, उसके इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलते हैं। आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 1/v + 1/u = 1/f, इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं, और f बराबर r/2, ये हो गया आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, कभी कभी माइनस लगा देता है, मेरे दोस्त जब माइनस लगा देंगे तो वो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। लेंस अभी थोड़ा सा दूर है, तो ये सब चीज छोटी छोटी बात को ध्यान रखना होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद जो मैंने ये बताया यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप लोग जानते हैं कि दर्पण मेनली तीन प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहां अवतल दर्पण दिखा देना चाहता हूं,
मान लो कि ये आपका जो है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का बाहरी साइड क्या होता है, पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। इसे पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया आर, और ये मान लो फोकस एफ, तो ये हो गया छोटी एफ, ठीक है, फोकस दूरी हो गया, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सी से लेकर पी का दूरी को आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ बड़ी एफ और पी मुख्य फोकस और पी के बीच की दूरी को छोटी एफ बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और एक होता है इस टाइप का होता है, जो वो आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक। इस टाइप का छोटा छोटा चीज आप लोग बना लेंगे, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, मुख्य फोकस इधर होता है, ये हो गया छोटी एफ हो गया, और ये हो गया आर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, मैं सिर्फ ये आप लोग को, आप लोग पढ़े हुए हैं इसको, स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। तो तीन टाइप का दर्पण होता है, समतल, अवतल और उत्तल होता है, ठीक। अब यहाँ पर एक छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना होगा, मैं इसी डायग्राम पर छोटी छोटी बात को डिस्कशन कर देता हूँ, जो बहुत ही आपका कामगार होगा, आपके लिए जरूरत होगा, कि इधर कोई भी चीज जो होता है, अगर चिन्ह प्रॉपर्टी अवतल दर्पण का, तो इधर का मान पॉजिटिव होगा, कोई भी चीज़ मान लो कि दर्पण इधर बन रहा है या कोई भी चीज़ इधर है, इधर का मान पॉजिटिव होगा, इधर का मान जो है वो नेगेटिव होगा, ऊपर का मान पॉजिटिव होगा और नीचे का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन होता है सर ये कैसे आप बता सकते हैं, तो आप लोग कार्टियन यानी द कार्तीय नियम पढ़े होंगे, ठीक है, ज्योमेट्री का जो जनक है रेने द कार्ते, तो कार्ते ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था कि इधर, वैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारा जगह इधर का मान पॉजिटिव होता है, उधर का नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, यही बात उत्तल दर्पण में भी लागू होता है कि इधर का मान पॉजिटिव होगा और इधर का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर का मान पॉजिटिव होगा और इधर का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये सब चीज छोटी छोटी बातें थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग को अवतल दर्पण का, ये अभी इस पर हम लोग और थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, उसके बाद हम लोग नमरिकल को भी देखेंगे। अब है कि यहाँ पर चीज़ हम लोग को थोड़ा सा साइन जो प्रॉपर्टी है, चिन्ह प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन, उस पर हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना है कि कब हम लोग जो है नेगेटिव मान लेंगे और कब पॉजिटिव लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पर बात करते हैं, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ तो नीचे जगह नहीं बचा हुआ है, लेकिन आप लोग ऊपर इसके नीचे लिख लेना, मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग U पर बात करेंगे, U को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और अवतल दर्पण जो होता है वो हमेशा दर्पण के सामने होता है, तो इसका मान नेगेटिव होता है, यानी ऑब्जेक्ट दर्पण के हमेशा सामने होता है, इस साइड होता है, नेगेटिव साइड, तो यू का मान ऑलवेजली नेगेटिव लेंगे। वही बात अगर हम एफ की बात करें तो फोकस दूरी भी आगे होता है, इसका भी मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। वही बात अगर हम आर करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन जब बात भी का आएगा, प्रतिबिंब दूरी की बात आएगा, तो यहां पर आपको थोड़ा सा रुक जाना है, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब क्वेश्चन उठ रहा सर क्यों रुक जाए, ठीक है, देखो यू एफ आर सब आगे होता है, तो तीनों नेगेटिव हो गया, लेकिन भी जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक कब बनता है, तो दर्पण का आगे जब बनता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है, और इस साइड बनता है तो क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। तो नेगेटिव होगा तो यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक, इंग्लिश में इसको रियल इमेज कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। और भी बराबर जब नेगेटिव, सॉरी स्टूडेंट, जब पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि दर्पण के पीछे बनेगा कौन, प्रतिबिंब, ठीक है, और वो जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक या आभासी, दो नाम है, काल्पनिक या आभासी, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल या इमेजनरी कहते हैं, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वर्चुअल का स्पेलिंग, वर्चुअल या इमेजनरी होता है, ठीक है, आप लोग लिख लेना, ये सब चीज़ छोटी मोटी चीज़ है, आप लोग इमेजनरी होता है, ठीक है। तो ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपका मिरर फॉर्मूला और जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे नंबरिकल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा दर्पण का आगे होता है, कौन सा, अवतल दर्पण का, वो हमेशा नेगेटिव होगा, कुछ भी मान दे 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, चेहरा रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ, सुई रखा हुआ है, किताब रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यू का मान ऑलवेजली नेगेटिव लेना है। फोकस दूरी भी हमेशा नेगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन जब प्रतिबिंब दूरी का आएंगे तो यहाँ पर आपको रुक जाना होगा और ये देख लेना है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो वास्तविक होगा तो नेगेटिव होगा और काल्पनिक होगा तो भी का मान, प्रतिबिंब दूरी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही बात हम लोग अब उत्तल दर्पण पर भी देखेंगे कि क्या क्या ये आते हैं। पहली बात यू, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट आगे होता है, इस साइड होता है उत्तल दर्पण का, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब हम फोकस दूरी की बात करते हैं तो इसका मान पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि फोकस दूरी इस साइड होता है, इस साइड का मान क्या होता है,
पॉजिटिव होता है। वहीं अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो इसका भी मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी बात तो आप लोग बेसिक सब जानते ही हैं। और इसमें प्रतिबिंब उत्तल में हमेशा जो बनता है वो आपका काल्पनिक बनता है, तो काल्पनिक जब बनता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर अगर वास्तविक बन जाए तो फिर हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है, आप इस डायग्राम को बना के पहले इस छोटी छोटी स्टार को लिखिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है इसीलिए। लेकिन विशेष कंडीशन में अगर बना दिया जाए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके लेबोरेटरी में बना दिया जाए इमेज वैसा, तो फिर नेगेटिव लेंगे अगर बोलेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर काल्पनिक होता है तो भी का मान नेगेटिव हो पॉजिटिव होगा। आई होप कि ये साइन कन्वेंशन जो चिन्ह प्रॉपर्टी था, मिरर का जो कंसेप्ट था, उसके बाद परावर्तन का जो कंसेप्ट था, फॉर्मूला का जो कंसेप्ट था, लगभग क्लियर है। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है हमारा मैग्निफिकेशन, ठीक है, आवर्धन जिसको बोलते हैं, ठीक। कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कुछ चीज़ जो है आप लोगों को बहुत सारा चीज़ जानना है। दो तरह का आवर्धन होता है, एक होता है मैग्नीफाइंग पावर आवर्धन क्षमता, और एक होता है मैग्नीफिकेशन। तो जो मैग्नीफिकेशन होता है वो लीनियर होता है, लीनियर का मतलब है कि ये जो है ऊंचाई लंबाई को दर्शाता है। लेकिन जब हम मैग्नीफाइंग पावर उसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, कोनी यानी वो कोन का निर्माण करेगा, ठीक है, तो वो अभी बाद में बात की बात है, पहले हम लोग मैग्नीफिकेशन को जानेंगे। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है इसका कि हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट के अनुपात को, इमेज का हाइट को हम लोग यहाँ पर जो है क्या मान लिए, हाइट मैं लिख देता हूँ, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को, यानी इमेज का हाइट प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं ऑब्जेक्ट की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे छोटी एम द्वारा डिनोट किया जाता है, फिलहाल हम इसे आई मान लिए और इसे ओ मान लिए। लेकिन इसका एक फॉर्मूला और होता है, एम बराबर माइनस भी बटे यू होता है। तो भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन सर नेगेटिव इसीलिए आता है, देखो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे बच्चे नेगेटिव समझ नहीं पाते हैं। देखा गया एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जब दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बने या काल्पनिक बने, देखो सीधी सी बात है, मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट, अगर ऊपर होता है तो इमेज हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। उल्टा होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव आता है, ठीक है, ये जो नेगेटिव चिन्ह आया वो उल्टा होने के कारण, क्योंकि ऊपर वाला मान पॉजिटिव और नीचे वाला मान नेगेटिव, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है ना। तो अगर माइनस वर्ड आ जाए तो इस बात को क्लियर कीजिएगा, अगर आपको बोले कि नेगेटिव क्यों आता है, तो नेगेटिव इसीलिए आता है क्योंकि ऑब्जेक्ट की अपेक्षा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है और प्रतिबिंब क्या होता है, नीचे आता है। आई होप ये बात भी क्लियर है। अब यहाँ पर एम बराबर, एम की जगह यहाँ पर हम लोग रख देंगे आई बटे ओ और माइनस भी बटे यू, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कारगर फॉर्मूला है, आई बटे ओ बराबर माइनस भी बटे यू। पहला फॉर्मूला एम बराबर आई बटे ओ, एम बराबर माइनस भी बटे यू, और नेगेटिव क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब होता है वो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा होता है, और एम के जगह यहाँ पर आई बटे ओ रख दिए तो आई बटे ओ बराबर माइनस भी बटे यू। तो परिभाषा भी क्लियर हो गया। अब है कि ये यूनिट लेस होता है, यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है, मतलब मात्राहीन और डायमेंशन लेस विमाहीन होता है। क्यों, क्योंकि सामान्य अनुपातिक राशि है, ऐसा सिचुएशन में ना तो मात्रक होगा और ना तो यूनिट होगा, ठीक है। अब है कि इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बात अगर हम बात करें कि मान लो कि सपोज डेट एम बराबर अगर वन आ जाए, ठीक है, तो ये बतलाता है m बराबर वन, यहाँ पर मैं छोटा सा एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ, ठीक है, m बराबर वन आ जाए तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है, सॉरी दर्पण जो है आपका वो समतल है, क्योंकि समतल में प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई सेम रहता है, ठीक है। अब है कि m का मान अगर ज़्यादा रहे वन की अपेक्षा तो अवतल ज़्यादातर ये, ठीक है, और m लेस देन
वन, और m का मान अगर एक से छोटा हो तो फिर क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें कभी कभी आप लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम दिए होंगे लाइफ में, डिप्लोमा का एग्ज़ाम, अलीगढ़ का एग्ज़ाम या फिर अदर एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी सामने दिखाई देता है, ठीक है, तब आपको रियलाइज होता है कि अरे यार ये तो पढ़े ही नहीं थे। तो m का मान वन होगा तो समतल होगा, m ग्रेटर देन वन होगा तो अवतल होगा, m लेस देन वन होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बात को आप लोग नोट कर सकते हैं और बेहतर होगा। यूनिट और डायमेंशनलेस होता है। एक बार परिभाषा मैं फिर से बोल देता हूं कि इमेज की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को इसे छोटी एम द्वारा आई बटे ओ इसका सिंबल मान लिए, एस टू बटे एच वन भी बहुत सारे लोग ये करता है लेकिन हम फिलहाल इसको ये मान लिए, ठीक है। चलिए ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर हो गया है, अब हम लोग न्यूमेरिकल की ओर आएंगे। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर आकार की कोई एक वस्तु, ध्यान देखो मतलब हड़बड़ा नहीं है, 40 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण, चलो मैं अवतल दर्पण बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, सबको मालूम है कि अवतल दर्पण है, ठीक है। हम लोग कई बार होते क्या है कि हड़बड़ी के कारण समझते नहीं है, जिसके कारण लाखों करोड़ों सवाल बना लेते हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं आता है। मेरे ख्याल से लगता है कि ज़्यादा सवाल नहीं बनाना चाहिए, एक सवाल दो सवाल ही बनाना चाहिए और समझ के और खुद से ये कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक अवतल दर्पण है और 3 सेंटीमीटर आकार की यानी जो आपका ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो 3 सेंटीमीटर दिया है और ऑब्जेक्ट जो है वो अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और वक्रता जो त्रिज्या दिया है वो 40 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस और इसका साइज निकालो, किसका, इमेज का, इमेज डिस्टेंस और उसका साइज भी निकालो। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, देखो कितना ईजी सवाल है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट का जो है हाइट दिया है कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर का मान पॉजिटिव होता है, इधर का मान नेगेटिव होता है, इधर का भी मान क्या होता है, नेगेटिव, तो ऊपर दिया है तो ऊपर का मान पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो वो 30, तो ये तो माइनस हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया है, ये भी माइनस होगा, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण आगे होता है, ये बताया गया था आप लोग को नीट एंड क्लीन, अभी जस्ट मैंने आप वीडियो को जो है पीछे ले जाके देख सकते हैं 2-4 मिनट। अच्छा, आर जब 40 सेंटीमीटर है तो एफ आर बाय 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब दूरी निकालो, प्रतिबिंब का आकार भी निकालो, साइज निकालो, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे विनोड एट या फ्रॉम मिरर फार्मूला, तो हम लोग जानते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/ क्या होता है, एफ होता है, 1/v निकालना है प्लस 1/u, यू का मान कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं बैठाना है, 1/f, f का मान कितना दिया है मेरे दोस्त, f का मान -20 निकला है यहाँ पर। तो ये प्लस और माइनस, अगर हम यहाँ पर बात करें कि 1/v प्लस और माइनस क्या होगा, -1/30, ठीक है, और ये माइनस चला जाएगा ऊपर तो -1/20 होगा, तो 1/v और -1/20 और ये माइनस ऊपर धर जाकर क्या होगा, प्लस होगा 1/v, 20 और 30 कैल्शियम लो तो 60 होगा, तो 20 दिया कितना होगा, 60, तो 3 आ जाएगा और 30 × 60 = 2 आ जाएगा, तो 1/v बराबर -1/60 हो जाएगा, डेट मीन्स v का मान कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये प्रतिबिंब दूरी निकल गया, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दर्पण सूत्र से था, क्योंकि हम लोग को प्रतिबिंब दूरी निकालने बोला है, इमेज डिस्टेंस निकालने बोला है, पूरा कैलकुलेशन आपके सामने है। देखो एक बार यहाँ पर चूंकि u का मान नेगेटिव था तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और माइनस इधर आके प्लस हो गया, फिर एलसीएम लिए तो ये एक चीज निकल गया हमारा प्रतिबिंब दूरी। अब देखो एक फॉर्मूला मैंने जस्ट आप लोग को बताया था अभी अगेन कि आई बटे ओ बराबर -v/u, तो इसमें हम लोग को ये निकालना होगा, चूंकि वो तो दिया है, वी भी निकल गया, यू भी दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस निकालने बोला है आई बराबर, ठीक है, और इमेज का साइज निकालने बोला है, तो देख लेता हूं मैं यहां पर, आई का मान ढूंढो, आई का मान, अरे आई का मान तो निकालने बोला है ना यार, यहां वस्तु जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर यानी u का मान -30 है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर मिरर फार्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f, v का मान निकालने बोला था, u का मान -30, f का मान -20, प्लस माइनस, माइनस हो गया, ये माइनस उधर जाकर क्या हो गया, प्लस, दोनों में एलसीएम लिए तो यहां पर -3, यहां पर +2 आ जाएगा, -1/60, v का मान हो गया -7, ये प्रतिबिंब दूरी। अब आप लोग जानते हैं अगेन कि i / o = -v / u और i का मान निकालना है,
और यू ओ का मान 3 सेंटीमीटर है, ए का मान -60 है, यू का मान -30 है, तो 30 × 60 यहाँ पर -2 आ गया और 3 × 6 हो गया, आई का मान माइनस। अगर हम नेचर की बात करें तो प्रतिबिंब जो है चूंकि नेगेटिव आया है तो मैंने बताया था कि जब वास्तविक होगा तो भी का मान नेगेटिव होगा और जब प्लस होगा तो काल्पनिक होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए मैं एक बुक से एक सवाल दे रहा हूँ आप लोग को और इसको आप लोग बना कर दिखाओ मुझे, ठीक है, कि क्या इसका राइट आंसर होगा। क्या रेडी हैं आप लोग सब कोई? चलिए आई होप कि रेडी होंगे आप लोग। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर, चलो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं पर दे देता हूँ, आप लोग इसको बना कर दिखाओ। सबसे पहले उत्तल दर्पण बोला है और फोकस का मान 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी का मान 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, फोकस दूरी का मान 30 सेंटीमीटर दिया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मान जो दिया है, यू का मान जो दिया है वो -60 सेंटीमीटर है, उसे नेगेटिव होता है, तो कह रहे हैं कि भी निकालो, ठीक है। चलिए भी निकाल के बताना है और प्रतिबिंब मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल के बताना है, एम निकाल के बताना है, ठीक है। आप लोग को कमेंट करना है कि उत्तल दर्पण एफ का मान 30 सेंटीमीटर होता है पॉजिटिव, यू का मान -60 सेंटीमीटर, भी निकालना है इसी फॉर्मूला की मदद से निकालना है, ठीक है। और एम कैसे निकालोगे मैं बता देना चाहता हूँ कि एम का फॉर्मूला क्या होता है, -B/U होता है, तो यू तो आपको दिया है -60 सेंटीमीटर, खाली भी निकाल लेना है, भी का मान यहाँ पर बैठा देंगे, मान लो 20 आ गया तो 20/60 हो जाएगा, जो भी मान आ जाए, ठीक है, उस मान को बैठा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये था हम लोग का लेक्चर नंबर 2, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।